हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी मुंबई के एनटीपीसी 2021 का किस तरीके का कट ऑफ लगेंगे और उसके नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक अपना लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम आप अभी वहाँ मुंबई आरआरबी मुंबई की टोटल वैकेंसी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें इस बार वैकेंसी है यूआर की 1580 और ओबीसी की है 895 और एससी की है 505 और एसटी की है 297। तो आगे बढ़ते हैं हम, और उस जो पिछले बार का कट ऑफ गया था 2015 में, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पिछले बार में आपका कट ऑफ गया था आरआरबी एनटीपीसी का, वो गया था यूआर का 77.49 और ओबीसी का गया था 70.21 और एससी का गया था 63.06 और एसटी का गया था 54.95। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं और कि आगे आने आपका क्या हो सकता है कट ऑफ, तो ये देख लेते हैं अभी हम। तो आपका एनटीपीसी 2021 का कट ऑफ इस तरह से लग सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज होने के बाद यूआर का हो सकता है 63 से 68 के बीच में, ओबीसी का हो सकता है 55 से 60 के बीच में, और एससी का हो सकता है 50 से 55 के बीच में, और एसटी का हो सकता है 45 से 50 के बीच में। तो फ्रेंड्स, आज हमने देख लिया कि आपका एनटीपीसी 2021 में किस तरीके से लग सकता है नॉर्मलाइज होने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी इलाहाबाद के एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम वहाँ की टोटल वैकेंसी देख लेते हैं फ्रेंड्स। आरआरबी इलाहाबाद में एनटीपीसी की यूआर की वैकेंसी थी 1662 और ओबीसी की 1072 और एससी की 596 और एसटी की 348। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यानी एनटीपीसी का जो प्रीवियस कट ऑफ गया था 2015 की वैकेंसी में, तो उसका कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। उसका कट ऑफ गया था फ्रेंड कि यूआर का वहां पर गया था 77.49 और ओबीसी का गया था 70.47 और एससी का गया था 62.85 और एसटी का गया था 47.02। तो फ्रेंड्स, आरआरबी इलाहाबाद में वैकेंसी भी अच्छी है इस बार, और पिछले बार का कट ऑफ जो जैसा लगा था तो उसकी तुलना में तो इस बार का कट ऑफ कम ही लगना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि यानी इस बार का कट ऑफ आप कैसा लग सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं हम नॉर्मलाइज होने के बाद, यानी नॉर्मलाइज होने के बाद आपका क्या कट ऑफ रहेगा वो देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज होने के बाद आपका एनटीपीसी 2021 में सीबीटी 1 का कट ऑफ इस तरह से कुछ ऐसा लगेगा आरआरबी इलाहाबाद का। तो यूआर का कट ऑफ 63.63 से 68 के बीच में रहने की संभावना है और ओबीसी का 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है और एससी का 50 से 55 के बीच में रहने की संभावना है और एसटी का 42 से 47 के बीच में रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर यह कट ऑफ और कम भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। और अगर मैंने इस बार की आपको पता ही है कि अटेंडेंस वगैरह क्या रही, तो इस बार की ये नॉर्मलाइज कट ऑफ और कम भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है,
तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक्स, थैंक यू दोस्तों। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी सिकंदराबाद के एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में, जो कि आपका 2021 में लगने वाला है CBT 1 का। आज हम उसका पूरा डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइज होने के बाद कितने लगने की संभावना है, आज उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम वहाँ की टोटल वैकेंसी देख लेते हैं एक बार। तो आरआरबी सिकंदराबाद की टोटल वैकेंसी यूआर की 1325, ओबीसी की 836 और एससी की 490 और एसटी की 257 और ईडब्ल्यूएस की 836। इस प्रकार वहाँ की कैटेगरी वाइज वैकेंसी है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक बार नज़र डाल देते हैं कि इसके पहले 2015 में एनटीपीसी निकली थी, उसका कट ऑफ कैसे लगा था। तो उसका कट ऑफ इस प्रकार लगा था, उस समय यूआर का गया था 77.72, ओबीसी का गया था 72.87 और एससी का गया था 63.73 और एसटी का गया था 59.13। इस प्रकार आपका पहले का कट ऑफ गया था, जिसमें टोटल 18,000 वैकेंसी थी बट वो कम हो गई थी 14,000 CBT 1 के बाद में। तो इस बार थोड़ा सी कम लगने की संभावना है कट ऑफ। तो फाइनली हम अभी नज़र डाल देते हैं कि आपका कट ऑफ कैसा हो सकता है इस बार। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर नज़र डालते हैं हम अभी। तो फ्रेंड्स, इस बार आपका कट ऑफ हो सकता है यूआर का 58 से 62 के बीच में लगने की संभावना है, ओबीसी का 54 से 58 के बीच में लगने की संभावना है, एससी का 48 से 42 के बीच में लगने की संभावना है और एसटी का 40 से 45 के बीच में लगने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस का 55 से 58 के में 58 के बीच में रहने की संभावना है। और ये कट ऑफ कम भी जा सकती है फ्रेंड्स, ये यानी अपनी तरफ से हमने बताने का आपको प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले आरआरबी कोलकाता के आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आप बने रहे, वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम एक नज़र वहाँ की आरआरबी कोलकाता के टोटल वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ टोटल वैकेंसी है यूआर की 1453, ओबीसी की 591 और एससी की 398 और एसटी की 215 और ईडब्ल्यूएस की 290। इस प्रकार आरआरबी कोलकाता की टोटल वैकेंसी है। तो और आगे बढ़ते हैं हम। अब जो एक नज़र डाल देते हैं दोस्तों कि इसके पहले प्रीवियस एनटीपीसी में आपका कैसा कट ऑफ लगा था आरआरबी एनटीपीसी का कोलकाता जोन का। तो इसके पहले आपका कट ऑफ गया था, जो यूआर का गया था 79.05, ओबीसी का गया था 71.53 और एससी का गया था 67.07 और एसटी का गया था 52.92। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कैसा लग सकता है आरआरबी कोलकाता का। तो आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड इस तरीके से कुछ लग सकता है, यूआर का आपका 58 से 63 के बीच में लगने की संभावना है और ओबीसी का 55 से 58 के बीच में लगने की संभावना है, एससी का 49 से 54 के बीच में रहने की संभावना है, एसटी का 54 से 48 के बीच में रहने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस का 57 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। ये आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ है फ्रेंड्स,
एक्सपेक्टेड, जो आपका नॉर्मलाइज होने के बाद में लगने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को अपना एक लाइक अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। CBT 1 का तो आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे फ्रेंड, कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसे गया था, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं RRB रांची के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम वहाँ की टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। तो RRB रांची में UR की 548, OBC की 368 और SC की 226 और ST की 98 और EWS की 146। तो इस प्रकार वहाँ की कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अब एक नज़र हम प्रीवियस कट ऑफ पर देख लेते हैं, जो आपका 2015 के NTPC में गया था। तो फ्रेंड्स, उस समय आपका कट ऑफ गया था UR का 63.75 गया था, OBC का गया था 57.29 और SC का गया था 45.48 और ST का गया था 48.58। इस प्रकार आपका 2015 में जो NTPC निकली थी उस समय कट ऑफ लगा था, जिसमें 18,000 वैकेंसी थी, बाद में घटकर 14,000 हो गई। तो इस बार आपकी 35,000 वैकेंसी है, तो कट ऑफ कम रहने की पूरी संभावना है। तो हम देखते हैं फाइनली फ्रेंड्स, कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखते हैं अब हम, तो आपका फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है UR का 50 से 55 के बीच में रहने की संभावना है, RRB रांची एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइज होने के बाद। तो और OBC का हो सकता है 46 से 50 के बीच में, और SC का हो सकता है 42 से 60 के बीच में, और ST का हो सकता है 45.48 के बीच में, और EWS का हो सकता है 48 से 52 के बीच में। तो फ्रेंड्स, अभी ये कट ऑफ और भी कम हो सकता है, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने देख लिया पूरा RRB रांची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वीडियो का हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं RRB मालदा के 2021 में NTPC का आपका किस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग सकता है, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम RRB मालदा के टोटल वैकेंसी पर नज़र डाल देते हैं, कि आपके वहाँ पर कैटेगरी वाइज किस तरीके से वैकेंसी है। तो RRB मालदा में वहाँ पर UR की वैकेंसी है 480, OBC की है 244 और SC की है 140 और ST की है 75 और EWS की है 104। तो इस प्रकार वहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक नज़र और हम प्रीवियस कट ऑफ पर डाल देते हैं, जो आपका 2015 में गया था, आपका किस तरीके से गया था वो कट ऑफ, प्रीवियस कट ऑफ ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपका उस समय कट ऑफ गया था फ्रेंड्स UR का 61 से 87 गया था और OBC का गया था 48.42 और SC का गया था 43.11 और ST का गया था 31.89। इस तरीके से उस समय कट ऑफ लगा था फ्रेंड्स। तो इस समय यह कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि उस समय 18,000 वैकेंसी थी और इस समय 35,000 है, यानी दुगनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अभी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में नॉर्मलाइज होने के बाद RRB मालदा का किस तरीके से लग सकता है, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपका RRB मालदा का कट ऑफ लग सकता है UR का 50 से 55 के बीच में रहने की संभावना है।
और ओबीसी का हो सकता है 46 से 50 के बीच में रहने की संभावना है, और एसटी का हो सकता है 42 से 45 के बीच में, और एसटी का हो सकता है 34 से 38 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 48 से 52 के बीच में। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने देख लिया कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में कितने कितने लगने की संभावना है, कैटेगरी वाइज हमने पूरा देख लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल में सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि हम और भी आपके लिए नए नए कंटेंट और स्टडी रिलेटेड मटेरियल ला सके। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लाइक करें और एक अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल के चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।